2 दिन हो गए सर शिविर में, हमें बहुत ज्यादा मेहनत कराई है। तो अगर शायद हम लोग यहाँ पे ना रुकते तो हमें इन चीजों का ना पता चलता। पहले मैनुअल सेट की, उसके ऊपर टैग लगाया वो वे भाई साड़ी मजे ऐसे है ना, बिल्कुल डेफिनेटली इसी तरह। और उसके साथ से फिर लास्ट पे होस्टिंग और डोमेन को बाय करना, परचेज करना, और इसके साथ अटैच करना, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, और HTTPS यानी कि उसे सिक्योरिटी के तौर पर कस्टमाइजेशन करना, ये सब कुछ बताया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ इंटर्नशिप का बच्चे जो हैं पास आउट होने वाले हैं, बैच 6 के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे जो हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट हमने आज जो है इनको दे दिए। आज आपके साथ सारी वीडियोज भी लगेंगी, कुछ रैंडम लगेंगी माशाल्लाह। ये तलहा ISI लिखा हुआ है माशाल्लाह। इन बच्चों ने जो है SEO का जो है अभी इंटर्नशिप कंप्लीट किया है। काफ़ी सारी यहाँ मेरी बहनें भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, इन सब से आज हम एक्सपीरियंस भी जानते हैं। वीडियो जो है उसको बड़ा मिर्च मसाला लगा के नहीं बताना, जो एक्चुअल में बात है हम उसको ही इंशाल्लाह शो करवाएंगे। बहुत सारे इस बैचेस में क्लैशेज हुए हैं, बहुत सारे रोले रपे आए हैं इस बैचेस में। एक और भी चीज़ है, मेरी शादी भी आ गई थी जिसकी वजह से 5-7 दिन 8-10 दिन क्लासेज जो हैं वो मिस हुई थी। बच्चे वापस चले गए थे, फिर दोबारा आए हैं, तो लेकिन करते कराते भी माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस रही है और माशाल्लाह बच्चों ने काम किया है। तकरीबन हर बंदे की वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 70-80-90-100, एक बंदे की 200, किसी की 150 भी है सुना है, तो इतनी तक ट्रैफिक पहुंच गई है माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। और ऑन पेज पे इनको काम करवाया है, वन बाय वन हम इनसे एक्सपीरियंस जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से जानते हैं, किसी बंदों को हम ये माइक देंगे, उनके साथ पूछते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या उन्हें बताएं। ये पीछे जो है छोटा सा बच्चा है, ये कह रहा था मैं बोलना चाह रहा हूँ दोस्त, ये पकड़ो और बताओ इनको। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। अच्छा बेटे कैसा एक्सपीरियंस रहा आप बताएं, आपने क्या क्या यहाँ से सीखा, आपको यहाँ पे कितने टीचर्स मिले हैं, इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कहाँ रहा है, और इसके अलावा ये बताइए डोमेन्स का, डेवलपमेंट का, सारे मामले। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, जो भी टीचर हमसे मिलते थे जो भी सिखाया इन्होंने बहुत अच्छा सिखाया, और शुएब भाई हमारे SEO के टीचर थे, इन्होंने बहुत अच्छा सिखाया, जो भी हम क्वेश्चन पूछते थे हमें आंसर देते थे उनका। और जी माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें आ गई, अब आप अपने साइड डेवलप कर सकते हैं, उसे रंग भी कर सकते हैं अगर मेहनत करेंगे। मेहनत करें जी सर। ग्रेट हो गया। अच्छा आर्टिकल लिख लेते हो? जी माशाल्लाह लिख लेते हैं। पब्लिशिंग, इंडेक्सिंग हो गई, डेवलपमेंट जी सर, ऑप्टिमाइजेशन जी सर, बैकलिंक्स भी जी सर, मतलब जितने भी सारी चीजें हैं जितने मैंने बोली हैं शायद इससे भी ज्यादा इन्होंने भी बताई होंगी कुछ जी सर, चीजें मिक्स हैं जो मैं नहीं बता पा रहा, लेकिन इतनी इतने सारे दुरानी में 2-3 मंथ के दुरानी में तकरीबन इतनी सारी चीजें जो उम्मीद रख के आए थे उससे ज्यादा मैं यहाँ से प्रोवाइड मिला माशाल्लाह जबरदस्त। चलो गुड है, इतनी तरीफें बढ़ी हैं, बाकी मेरे से हजम भी नहीं होनी। एनीवेज इस अभी हम ये कापी से पूछ लेते हैं। ओ जी आप इस काफ्ता वाली बैठी ना हो कह रही मैं बोलना चाह रही थी, ये लो शुएब आप लेके जाओ और माइक इनको दो। ये वीडियो हमें कैश में आप लगा देना ताकि बच्चों की आप आपको नहीं होमवर्क कर आप इस काफ्ता में बैठे, इसने काफी सारी बातें की अच्छी अच्छी, इन्होंने तालियां भी दिखाई कि आप देखते हैं क्या करते हैं। नहीं मैंने बहुत कुछ सीखा है, सबसे पहले तो सर आपका बहुत ज़्यादा थैंकफुल इससे, क्योंकि आपकी जो हौसला अफजाई या मोटिवेशन मैंने YouTube पे देखी थी ना, तो उसकी वजह से इस अदारे में आई और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा यहाँ से सीख के जा रही हूँ। अच्छा बेटे ये बताइए क्या हम आपको एक टास्क दें दोबारा कि यार तू चल गया होना मैं सानू चांद तो मत भूल जाऊँ, अजय कहिए साड़ी एक डोमेन डेवलप कर दो, कर दोगे इंशाल्लाह? मतलब डोमेन डेवलपिंग सारी चीज़ें मैंने जो भी बोली है एक बार आप जो चीज़ें शायद मैं भूल गया हूँ दोबारा बताएं कि इतने एक्सपीरियंस में हमने इनको क्या क्या सिखाया। मैं इसलिए ये सारी बातें पीट रहा हूँ, एक बैच लंघना तो उसके बाद असं सब कुछ कर देना पेड, क्योंकि हम लोगों को टाइम है ना, और टाइम है पेट पेट के बारे में आगे सारे को 10,500 रुपया ले लो, और इवन दैट ये भी मैंने कहा है कि जो बच्चे यहाँ से आज जाएंगे उनको 10,500 वापस भी देंगे, उनसे नाम बोले वो भी आज फ्री है पेट पेट के रहेगा। मैं पहले यासर शामी ने इंटरव्यू तो पहले ही लिया सी कि यार असं फ्री सिखा रहे हैं जिन्होंने करना है वो आए, और बाद में साढ़े घर आए साढ़े घर के कूलर चकल गया तो कोई की शकल गया कोई की अब हम फ्री करवा रहे हैं दोस्त, आप आना चाह रहे हैं कोर्स करें उसके बाद ऐसे हमसे फ्री करें, दूसरी बात ये उसके बाद पेड करेंगे तो रुपये में चंगे लेने जो 50,000 रुपये कम अज कम एटलीस्ट इंशाल्लाह ऐसे करवाएंगे। बच्चों ने किया ये आप ही बता सकते हैं बेटे, कितनी सारी चीजें हैं इस कोर्स में आपको 2 महीने में बताई। सबसे पहले तो हमें आपने जो वेबसाइट है वो डिजाइन करवाना डेवलप करवाना सिखाई,
इसके बाद कंटेंट राइटिंग जो है, कंटेंट आर्टिकल कैसे लिखते हैं, क्या होता है ये आर्टिकल, इसमें क्या, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये आपने हमें बताया। और आफ्टर दिस आपने हमें पब्लिशिंग का जो सारा मेथड है वो हमें आपने बताया कि आपने वेबसाइट एक्सटर्नल लिंक जी आपने बैक लिंक्स भी जी ऑब्जर्व की थी, तो आप लोगों ने जो पिक्चर्स थी ना उन पिक्चर्स पे भी वेबसाइट के लोगो लगाए हूँ, ऐसे है ना जी बिल्कुल। मतलब मैं बाद में बैठा सोच रहा था किड्डे कमले ने सारा कुछ दसी आ रहे हैं, मतलब पिक्चर पहले मैनुअल सेट की उसके ऊपर टैग लगाया वो वे भाई साड़ी इमेज ऐसे है ना बिल्कुल डेफिनेटली इसी तरह है। हां जबरदस्त। अच्छा उसके बाद बैकलिंक्स पे भी लेक्चर्स हुए जी बिल्कुल। बैकलिंक्स के बारे में सर यासर जो हैं उन्होंने हमें लास्ट जो हमारे डेज थे ये वर्कशॉप के उसमें हमें उन्होंने सारा मेथड बताया बकायदा, उन्होंने हमें हर चीज क्लियर की है स्टेप बाय स्टेप। ग्रेट। अच्छा ये आप सुमल को भी दें, ये भी कुछ बोलना चाह रही हैं, ये हमेशा ही बोलती हैं आ जाओ फिजिकल क्लास कर लो, ये कर लो वो कर लो। तो अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बैच 9 में आ जाएं यार जल्दी जल्दी, हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं 250 सीट्स हैं, इससे ज्यादा हमारे पास बच्चे नहीं रखने, जल्दी जल्दी आके एडमिशन करवा लो और कुछ ना कुछ जल्दी सीख लो। जी सुमल आप ही आप बोलिए। सर यहाँ पे हम लोग आए थे गेस्ट पोस्टिंग के लिए, तो बैच 6 था हमारा, उसके बाद आपने हमें SEO की ऑफर की, मतलब यहाँ पे आप जो हैं हमारे लिए खुद ही इन्वेस्ट करेंगे, डोमेन होस्टिंग वगैरह खुद परचेज की, तो उस पर वर्किंग जो है आपने पेयर टीचर्स यहाँ पे हमारे लिए हायर किए सर यासर साहब का आपने बताया था। यस सर रिसेंट बिल्कुल शुएब भाई ने हमें इस चीज़ का वो किया बताया, और उसके बाद यासर साहब थे उनको आपने यहाँ पे हायर किया, हाँ जी उनके लिए वेब डेवलपमेंट का आपने करवाया है, उसके बाद कंटेंट राइटिंग का भी, आर्टिकल लिखना पब्लिश करना इंडेक्सिंग इंटरनल लिंक्स एक्सटर्नल लिंक्स में जो भी सारे मामले थे, तो अगर शायद हम लोग यहाँ पे ना रुकते तो हमें इन चीज़ों का ना पता चलता, और एट द एंड ये आपने फ्री करवाया है, इसमें कोई भी आपने जो है हमसे अमाउंट चार्ज नहीं की। बिल्कुल। तो ये है कि जो बच्चे हॉस्टलाइज थे उनके तो वहाँ पे जो है वो मैनेज हो गए हैं, बाकी जो बच्चे यहाँ पे डेली बेसिस पे आते रहे उन्होंने पैसे 10,000-5,000 रुपये हाथ से पढ़ावांगे, तो आप देख रहे आप देख रहे, बाकी है कि बेटे मैं कभी भी ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यानी कि जितो खादा हो जितो किता हो जितो सीखा हो उन कभी बुराई ना करो, ये नहीं फिर तुम एक करोगे ना तो किन्ने सारे मामला किन्ने सारिया चीज़ें डिस्टर्ब होनी, तो फिलहाल वक्त ही नहीं लगेगा लेकिन किधरे ना किधरे लगेगा। मैं हमेशा पशेमान लोगों या उन्होंने खिंचद्या किसी लत्त खिंचद्या या किसी गलत कहद्या मैं हमेशा उन्होंने जलील होंगे तो रोंदा ही वेख्या, ठीक है जो चीज़ है क्लीयर रहो, आपको चीज़ें आती हैं। अब मेरी आप सबसे सजेशन है वीरे तुम सारे जे स्कूल नाल यूट्यूब फेसबुक पर जाओ लिंकडइन पर जाओ उतना जाके कहो हमें वैब डिवेलपिंग आती है, हमें SEO आती है, हमें ऑन पेज आता है, ऑफ पेज तो तुम्हें कराता ना कोर्स ऑन पेज आता है, चुप करके वहाँ पर जाएँ और जाके ये कहें कि हम आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर देंगे डिवेल्प कर देंगे आर्टिकल लिख देंगे पब्लिशिंग कर देंगे। वीरे एक बार फ्री कर लो ना, मतलब इतों सीख लिया ना उतने उनका काम फ्री कर लो, और जब कोई चीज़ फ्री कर लेते हैं और आपकी सर्विसेज उसको जाती है ना वो इतना गोरा पागल नहीं है, वो आपको पे बैक करेगा, एक दो एक्सपीरियंस फ्री कर लो उस तो बाद लोगों ने पेड सर्विसेज देना शुरू कर दो, यही ना किसी और आईडी तो सानू सर्विसेज देना शुरू कर दो, सही है मतलब आपने जो देना है वो गोरों को आप ये दे सकते हैं। अब ये भी माइक दोस्त इधर से पकड़े और वो तकी भाई बैठे हैं उनके पास लेके जाए कोई दो चार होर मखाने इन्हें तो भी पूछ लेने ओहो यासीन भाई भी से भी ले पूछे एनीवे ये आप चेक कर लीजिए उनको दे दीजिए तकी भाई को दे दीजिए तकी भाई उनसे पूछ लेते तकी भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मेरे पास लिमिटेड सा टाइम होता था मतलब 2-3 घंटे के लिए मैं यहाँ पे आता रहा हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ पे हमें प्रोवाइड किए गए शुएब भाई या दूसरे और स्पेशली जो है यासर भाई, अगर उनसे किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन पूछ लें मतलब टेक्निकल एरर्स के हवाले से हो या कोई भी उनके कभी माथे पे शिकन नहीं आई, तो उनका ये स्टाइल होता था कि लाएं पूछें, और ये बहुत ज़्यादा बंदे के पास जब एक्सपीरियंस हो तब ये वाली सिचुएशन आती है। बाकी ऑन पेज SEO के हवाले से या इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग के हवाले से और साइट को बनाना डेवलप करना उसमें जितनी भी चीज़ें मतलब ये वाली चीज़ शायद ही कोई अदारा करता हो जो इस अदारे ने हमें दी कि आपने साइट हमारे हवाले कर दी, इसको बनाओ गिराओ इस पर कलर स्कीम्स चेंज करो इस पर जितने अपने एक्सपीरियंसिस हैं आप कर सकते हैं वो करें, तो ये मैं कहता हूँ कि मौका किसी को देना ये बहुत बड़ी बात है जो इस अदारे से हमें सबको मिली है। और इसके अलावा ये भाई ये यासिन भाई की कुछ बात सुनते हैं इस भाई के पास आते हैं। जी यासिन भाई ये बड़े तनी आदमी माशाल्लाह, पहले तो तनी बताओ दोस्त
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इधर आया था, मेरी तलीम 8 क्लास का मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एसयू का कुछ नहीं पता था पहले। मैंने इधर आकर वेब डेवलपिंग सीखी, एसयू कंप्लीट आज हो गई माशाल्लाह। उसके बाद मैंने आर्टिकल, मुझे लिखना नहीं आता था, मैंने आर्टिकल सीखा सर शुएब से। उसके बाद मैंने इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक, उसके बाद मैंने जो भी आर्टिकल के अंदर अच्छी चीज़ें मैंने सभी सर शुएब से कंप्लीट कराई। दो दिन हो गए सर शुएब ने हमें बहुत ज़्यादा मेहनत कराई है। पहले भी दो दिन को हमें रिवीजन कराई है। उससे पहले सर ने शुएब और सर यासिर सर आसिफ ने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई है। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ, ये ना समझें कि हमें एसईओ आ गई है, वो ये कहें हमें एक्सपीरियंस हो गया है, अब हम मार्केट में जाके भी एक्सपीरियंस ही करते हैं। बेटे लोगों ने 5 साल भी लगाए हैं, फिर भी उनको इस चीज का नॉलेज नहीं है, फिर भी वो कहते हैं हमें और सीखना है। तो आपके माइंड में जिसके भी ये है कि हमें आ गया है, वो गलत समझते हैं। एसईओ इस तरह नहीं आती, आप पूरी जिंदगी में लगाते हैं, बच्चों के बाल छोटे होते हैं, बाल उनके बूढ़े हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, तब भी ऐसी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि पूरा एक फैक्टर है। और मैं भी कह रहा हूँ, अगर आपको आ गया तो आपकी आने वाली नस्ल वो भी सवर जाती है, और जो आपसे जो बच्चे होते हैं वो भी सवर जाते हैं, जिसको SEO आपने एक एक्सपीरियंस कर लिया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं समझ आ गया, जब आप इस चीज से दूर हो जाएंगे और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेज हो रही है इसकी और मॉडिफिकेशन हो जाएगी, चीजें और तेज हो जाएंगी, आपने जुड़े रहना करते रहना, हमें पेड सर्विस नहीं देनी, हमें और दोस्त इसके बाद उसके बाद सर मैंने पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे, मुझे आर्टिकल लिखना आ गया, एक मुझे आया ऑर्डर $10 का, परसों आया था $10 का, मैंने ऑर्डर कंप्लीट करके दिया, सर शिव ने मुझे बताया था। नहीं सॉरी, ठीक है, बहुत शुक्रिया दोस्त, इन्होंने बोलो तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आप जो है ना वो काफी हो जाए। बाकी यार दोस्त आप देख लेना वीडियो अच्छी है, ये ब्रीफ चैनल है, बैच की जो है वो डिसीजन स्टार्ट है, आप आ सकते हैं छेती आशकुक जी। दोस्त जी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और अगर बात करें एक्सपीरियंस की तो सर ने हमें बेसिक लेवल एसयू नहीं सिखाई बल्कि एडवांस लेवल की एसयू सिखाई है, और जो इधर सर ने स्ट्रेटजीज बताई हैं वो स्ट्रेटजीज बताई हैं जो कि प्रोजेक्ट रूम में स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाती हैं, और सर ने हमें प्रोजेक्ट रूम वाली स्ट्रेटजीज बताई हैं। ठीक है, अच्छी बात है यार दोस्त, मैं फिर कह रहा हूँ वो इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। आज हम ठीक है, आज हम कर रहे हैं, मैं आपसे भी कोई शिला मांग रहा, अल्लाह इसका जरूर अजर दे, तो अल्लाह से इंसान को कुछ भी नहीं दे सकता, ठीक है। बाकी इसके अलावा क्या क्या सीखा ये भी थोड़ा बता दो, ताकि बाकी बंदे ने तो रीच कर दी थोड़ी दूर चाड़ दी। जी सर, सबसे पहले हमें सर ने कस्टमाइजेशन साइड की सिखाई है, उसके बाद फिर पब्लिशिंग, इंडेक्सिंग, आर्टिकल लिखना, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, और उसके साथ साथ फिर लास्ट पे होस्टिंग और डोमेन को बाय करना, परचेज करना, और इसके साथ अटैच करना, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, और HTTPS यानी कि उसे सिक्योरिटी के तौर पर कस्टमाइजेशन करना, ये सब कुछ बताया गया है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हैं, बाकी चीज़ों को आप बार बार चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें, चुप करके जाओ और थे नेम चिप के जाओ, एक आपकी डोमेन बाय करो, नेम चिप के जाओ आपकी होस्टिंग बाय करो, उन्हें अटैच करो, तो जनाब थार थार आर्टिकल लिखना शुरू कर दो, एक ना एक दिन साइट रैंक हो जाएगी। नहीं होगा, मैं एक और बात ऑन दी कैमरा रिकॉर्ड कह रहा हूँ, यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई हार्ट, लेकिन बस बाहर बाहर वाले अंदर वाले नहीं, आप मेरे दिल के टोटे हैं, बट बाहर वाले अंदर वाले नहीं। दूसरी बात यह है कि आपको कहीं इश्यूज आ जाते हैं साइट से मतलब आपकी अपनी पर्सनल, आप आ सकते हैं अकेडमी में, आप दोबारा सर शुएब से, मेरे से, सर यासिर से आप दोबारा मुखातिब हो सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप पे नहीं डायरेक्ट। आपने वेबसाइट बाय कर ली, आपको कहीं इशूज आ रहे हैं, आप पहले शुएब भाई को मैसेज कर लें, सर यासिर को मैसेज कर लें, और आप टाइम लेके आ पा लें, आप 2 घंटे का सेशन कर सकते हैं, 3 घंटे का अपनी वेबसाइट की प्रोग्रेस, आर्टिकल, इंडेक्सिंग, सोशल शेयरिंग, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल, सब कुछ
मैं ये भी आपके लिए दे रहा हूँ कि जब आपको लगे ना 2 महीनों बाद आपको एक कंसल्टेंट की जरूरत है, एक बार आपको बात करने की जरूरत है, तो आप वो भी आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और बाकी आपको अल्लाह पाक मजीद कामयाब करे, और इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता, वो वही दे सकता है जिसके पास कुछ है। मेरे पास ये था दोस्त, मैंने ये दे दिया, अब आपके पास पता नहीं क्या है, आप लोग अब मुझे जो है वो बाद में आप मुझे क्या सिला देते हैं क्या देते हैं, लेकिन मैं आपसे सिला लेने को कोई हकदार नहीं, मैं कहता हूँ अल्लाह अल्लाह ही देता है, इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता, ठीक है। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।